नमस्कार गाइस, कंप्लीट हाउस कंस्ट्रक्शन सीरीज़ की वीडियो नंबर 4 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जब हम अपनी प्लिंथ बीम को रेडी कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। इस सीरीज़ में अभी तक हमने सीखा स्टार्टिंग स्टेप जो होता है घर के कंस्ट्रक्शन का, यानी पाइलिंग होती है, लेआउट होता है, उसके बाद कैप डलते हैं और कैप के बाद प्लिंथ बीम डलती है, और प्लिंथ बीम जब डल जाने के बाद इसके आगे का जो स्टेप है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, प्लिंथ बीम की कास्टिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब हमको फिलिंग करानी होती है, और फिलिंग कराने के बाद हमको जुड़ाई जो है वो हम इसके साथ में लगवा सकते हैं, यानी कि जो ब्रिकवर्क है वो हम फिलिंग के साथ साथ में लगवा सकते हैं, जैसे कि हम हमारे केस में कर रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो फिलिंग है वो भी हो चुकी है। फिलिंग में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है गाइस, अगर आप फिलिंग कराते हैं रेड मुरुम से आप फिलिंग कराते हैं तो उस पर आपको अच्छा कॉम्पैक्शन कराना है। अच्छे से कॉम्पैक्शन कराने के लिए आपको इस पर कंटिन्यू वाटर सप्लाई करवाना होता है गाइस, पूरे जहाँ जहाँ पर आपने फिलिंग कराई है उसको अच्छे से वाटर सप्लाई आपको करवाना है, पूरे में पानी चलवा देना है और कंटिन्यू वहाँ पर पानी चलने देना है आपको, एक दिन दो दिन करके ऐसे आपको एक हफ्ते तक उसमें अच्छे से पानी चला देना है, और पानी चलाते चलाते साथ में उसको आपको उस पर कॉम्पैक्टिंग करवानी है। चाहे आप वो दुरमुट से करवा सकते हैं या कॉम्पैक्टर से भी करवा सकते हैं मशीन के द्वारा, दोनों ही केस में अच्छी कॉम्पैक्टिंग हो जाती है। तो गाइस, कॉम्पैक्टिंग आपको अच्छे से करा लेना है, जिससे गाइस कभी आगे जाकर के नीचे बैठक ना ले आपका जो घर है, और जो आपका जो बेस होगा उसमें नीचे गैप्स बिल्कुल भी ना आए। तो गाइस, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अच्छे से कॉम्पैक्टिंग हो जाए आपकी। इसके बाद आप इस पर PCC बेस करवा सकते हैं, जो कि नॉर्मल पेन सीमेंट कंक्रीट का जो बेस होता है वो आप इसमें करवा सकते हैं। और इसका रेशियो की अगर बात करें तो M15 का रेशियो आप इस पर डलवा सकते हैं, M15 का रेशियो ही मेनली बेस में डाला जाता है। और गाइस, जब बेस आप करवाएं तो उस पर एक आप एंटी टर्माइट का केमिकल या डॉक्टर फिक्सेट का केमिकल भी डलवा लें, जिससे आपको सीपेज से भी प्रॉब्लम ना हो आगे जाके और टर्माइट से भी प्रॉब्लम ना हो। आप चाहे तो मुरुम में भी एंटी टर्माइट डलवा सकते हैं गाइस, जिससे आपको फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो गाइस, प्लिंथ बीम और बेस का काम हमारा हो जाने के बाद जो हमारा वॉल का काम है वो हम चालू करा सकते हैं, या साथ में भी हम वॉल का काम चालू करा सकते हैं, जिस टाइप से हमने यहाँ पर चालू करा दिया हमारे वॉल का काम। और जब भी आप ब्रिकवर्क कराएं तो उसमें आप ध्यान दें कि जो भी 4 इंची की वॉल्स होंगी वहाँ पर आपको 3 फिट पे एक DPC डलवा देनी है। DPC डलवाना ज़रूरी है गाइस, जिससे आपको एक तो बाइंडिंग भी मिल जाती है, कॉलम से बाइंडिंग मिल जाती है पूरी 4 इंची वॉल की, और साथ ही सीपेज से भी आपकी वॉल को बचाता है। और साथ ही में गाइस, आपको 7 फिट पर लिंटन बीम डलवानी होती है। लिंटन बीम डल जाने के बाद इसके ऊपर का ब्रिकवर्क हो जाता है जो कि स्लैब हाइट तक जाता है, और उसके बाद डायरेक्ट हमारा स्लैब आ जाता है। अब गाइस, नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी वो स्लैब की शटरिंग की आएगी। जब स्लैब की शटरिंग होती है और लोहा बनता है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वो वीडियो भी जल्द से जल्द मिल जाए। और गाइस, हम इसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो गाइस इसे लाइक करें। आपका जो क्वेश्चन हो, जो क्वेरी हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे और आपके टॉपिक्स पर वीडियो को लाएंगे।